आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या अब पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार न मिलने के कारण अपराध की ओर अग्रसर कर रही है। आज हर पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक लोगों को अपना परिचय बताने में भी शर्म महसूस करता है। देश का संचालन कर रही सरकार के पास न तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नीति है और न ही रीत। ऐसे ही बेरोजगारों के लिए देवनगरी देवतालाब से सम्यक अभियान के तहत मुहिम छेड़ी जा रही है। यह बात आज एक प्रेस वार्ता के दौरान सम्यक अभियान के पदाधिकारियों ने बताई। उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी पूरे चरम पर है। सत्ताधिकारी दल बेरोजगार युवक युवतियों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है और न ही उनके भविष्य के बारे में सोच रहा है, जिसके चलते अब नवयुवक अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम इसे रोकने का प्रयास करेंगे और युवाओं को रोजगार के रास्ते पर भी लाने का प्रयास किया जाएगा। पूरे प्रदेश में रीवा जिले में और हम मुख्य रूप से केंद्रित हुए हैं देवतालाब विधानसभा में। जो पढ़ा लिखा युवा है, खासकर 12वीं पास करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया है, उसके बाद उसके रोजगार की जो विकट समस्या उत्पन्न हुई है, इसके लिए एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम रखा गया है सम्यक अभियान। इस अभियान के तहत इसके जो पूरे देश के संयोजक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, भास्कर राव रोकड़े जी, उनकी अगुवाई में और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने इस सम्यक अभियान की शुरुआत की है। और पढ़ा लिखा युवा आज बेकारी और लाचारी का शिकार हुआ है। ये संख्या लगातार रात दिन बढ़ती जा रही है। पहले भी आप सब देखते रहे होंगे कि रोजगार की समस्या शासन के तरफ से बहुत अच्छे से होती थी और जो हमारा काम का अधिकार है, जो हमारा राइट है, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। और पढ़ लिख करके युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज लगातार तैयार होती रही। अभी जो ऊर्जा एक देश के राष्ट्र के निर्माण में खर्च होनी चाहिए, वो युवा गलत दिशा में जा रही है। नशे के शिकार हो रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं युवा ये काम, इसी विषय पर चिंतन मनन करने के लिए और शासन सरकार सत्ता जो भी हैं उनके वो नीति और नियम जिनके कारण से युवा बेरोजगार हो रहा है, लगातार कुंठा का शिकार हो रहा है, निराश हो रहा है, हताश हो रहा है, बेकाम हो रहा है, उन शासन की नीति और नियमों का विरोध करने के लिए और ऐसे नीति नियम शासन लगाए जिनके कारण से युवाओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हो सके, इसके लिए सम्यक अभियान की शुरुआत की गई।